నమో వాగ్దేవతే తుభ్యం నమస్తుభ్యం సరస్వతి వాణిభాషే నమస్తుభ్యం వాగ్మితుభ్యం నమోన్నమః. నమస్కార్ నమస్కార్. ఆజ్ హమారే సాథ్ హమారే సౌభాగ్య సే శివ సంకల్ప్ సే భగవతీలాల్ రాజపురోహిత్ జీ ఫిర్ సే ఉపస్థిత్ హై ఔర్ ఆజ్ హమ్ బాత్ కర్నే వాలే హై ఉన్కే శోధ గ్రంథ్ राजा भोज का रचना विश्व इसके आधारित. और हम पहले उनसे धारा नगरी के राजा भोज के बारे में जानते हुए पूछना चाहते हैं भगवती लाल जी, राजा भोज की ये जो नाम है भोजा, इस शब्द का आप थोड़ा विस्तार से निरुक्ति बताइए. भोज शब्द जो है उसकी निरुक्ति एक शिलालेख में प्राप्त होती है. आक्रम में भूभुजाम रोकता सब भोज, जो आक्रमण करके भूभृत मतलब राजा और पर्वत क्षेत्र उन सब का उपभोग करने वाला भोज कहलाता है. दूसरी तरफ वररुचि ने भी अलग प्रकार से व्याख्या की है. उन्होंने कहा कि जो उपभोग करवाता है और उपभोग करता है वो भोज कहलाता है. तो इस प्रकार ये हमारी पारंपरिक रूप में ये भोज शब्द जो है ये तो वैदिक काल से चल रहा है और आज तक चल रहा है. भोज शब्द और भोगना, इन दोनों में आपने अभी वररुचि की जो निरुक्ति है वो बताते हुए बताया हमें जी. हमारे राजाओं में कितने राजा थे जिन्हें भोज कहा गया है? उनकी संख्या जो है करीब, जो मैंने मुझे ज्ञात हुई वो तो लगातार वैदिक काल से रही है और बाद में एक के बाद एक अलग अलग वंश के भोज हुए हैं. भोज वंश भी हुआ है, जो विदर्भ का जो भोज वंश है वो बड़ा प्रसिद्ध था, उसी में रुक्मणी भी उसी में हुई थी और बाद में जाकर के मालविका ना मालविकाग्निमित्र जो नाटक है कालिदास का, उसमें जो मालविका है वो भी उसी भोज वंश की थी. तो वो परंपरा जो है लगातार वहाँ पर चलती रही. बाद में अलग अलग वंश के अलग अलग कई प्रकार राजा हुए. उनमें प्रसिद्ध राजा एक प्रतिहार राजा भोज हुआ 8वीं-9वीं शताब्दी का, और बाद में जाकर के परमार राजा भोज हुआ. प्रतिहार राजा भोज केवल इसलिए प्रसिद्ध था कि एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन परमार राजा भोज जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और धाराधीश है, जो धारा और मालवा का राजा था, वो वीर भी था और विद्वान भी था. उसके बारे में कहा जाता है, साधितम विहितम दत्तम ज्ञातम तद्यन्य केनचित कि मन्यत कवि राजस्य श्री भोजस्य प्रशस्यते. यानी इस राजा भोज ने जो साधा, जो उसने ज्ञात किया, जो उसने दान दिया और जो उसने कर्म किए, सत्कर्म किए, वो अनुपम है. इस और ऐसे जो कविराज भोज है वो उसकी और इससे अधिक प्रशंसा क्या की जाए. और तब सब कुछ आ गया. ये आपके जो श्लोक बताई है ये उदयपुर प्रशस्ति की है ना? जी हाँ, उदयपुर प्रशस्ति में ये श्लोक आया है और 12वीं शताब्दी का है ये श्लोक. जब हम धारा नगरी के राजा भोज के बारे में बात करते हैं तो उनकी प्रशंसा में जी लोक परंपरा बहुत ही
विस्तार से है जी, और उनकी साहित्य परंपरा तो है ही, पर पहले हम उनके लोक परंपरा पे जानेंगे आपसे। जी, लोक परंपरा में बच्चों को भी राजा भोज के कथाएं भोज प्रबंध के पढ़ाते आए हैं और अभी भी कहीं जगह पढ़ाते हैं। ये भोज प्रबंध की विशिष्टता क्या है और बच्चों को इसे क्यों इनकी कहानियां बताते आए हैं, इस पर थोड़ा आप बताइए। भोज प्रबंध में सरल संस्कृत में राजा भोज के बारे में विचित्र कथाएं जो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, ये ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़कर के विद्वानों को और आम जनता को और बच्चों को बूढ़ों को सबको उस पर रुचि पैदा होती है। उसमें ज्ञान वर्धक कहानियां भी है और सामाजिक जो एक 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 समग्रता का रूप जो है उसमें दिखाई देता है। तो इस तरह की जो चीजें एक साथ पाई जाती है उसमें, यहाँ तक है कि वो जुलाहा जो है वो भी कविता करता है। जब उस एक पंडित आया और पंडित आया, उसने कहा कि उसको स्थान देना है, तो राजा भोज ने आदेश दिया कि भैया इस ये हमारे नगर में जो अपढ़ हो उसको हटा दो और उस स्थान के उस भवन में इस कवि को भी रहने के स्थान दे दो। तो कर्मचारी लोग जो है एक जुलाहे को पकड़ लाए, तो वो जुलाहा जो है उसने जो कहा तो उसने भी राजा को एक श्लोक में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कवयामी वयामी वयामी, यानी मैं कविता भी करता हूँ, यत्नात करोमि यदि चारुतरम करोमि, यदि यत्न से कर प्रयास करता हूँ तो ठीक ठाक कर लेता हूँ। और फिर कहता है कि कवयामी, मैं कविता भी करता हूँ, वयामी जुल्हापन भी करता हूँ, और यामी राम राम में जाता हूँ अब। तो राजा प्रसन्न हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसको अपने मुकाम पे रहने, तो उस कवि को कहीं के दूसरी जगह रखो। तो इस तरह से हमारे जो एक भारवाही जो है, जो घास का भारा भारा लेकर के सिर के ऊपर जा रहा है, वो भी राजा भोज को जो है शुद्ध संस्कृत का उत्तर देता है। उसमें तुमको जो है भार लगता है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, भार तो लगता है, लेकिन अब इसमें आप जो व्याकरण कह रहे हैं शब्द, वो व्याकरण का दोष है इसमें। और तो वो व्याकरण का दोष बतलाता है, तो राजा भोज के वाक्य में व्याकरण का दोष बताने वाला एक भारा उठाने वाला, चारा घास लाने वाला जो है वो भी है। तो इस तरह का जो पंडितों का एक परंपरा हमारे यहाँ पर पूरे राज्य में एक प्रकार से विद्वत परंपरा, एक सांस्कृतिक राज्य स्थापित कर दिया था उन्होंने। राज्य ही नहीं था वो, एक सांस्कृतिक राज्य हो गया था। तो इस तरह के प्रयास जो है उसके कारण राजा भोज है। राजा तो अनेक होते हैं और अनेक सैकड़ों हजारों राजा हुए हैं और उन्होंने राज्य किया है, लेकिन राजा भोज का नाम इसलिए है कि उन्होंने विद्वत परंपरा को स्थापित किया और इस तरह से स्थापित किया कि जन जन में जो है विद्वत्ता छा गई, व्याप्त हो गई। कि आजकल नॉलेज सोसाइटी की चर्चा कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि भारत को एक नॉलेज सोसाइटी की रूप से हमें देखनी है, और कह सकते हैं कि मिथिला के जनक एक ज्ञानी थे और उनकी राज्य एक तरह की
नॉलेज सोसाइटी थी। तो कलयुग में क्या हम समझ सकते हैं कि राजा भोज की जो उनकी राज्य थी उसे नॉलेज सोसाइटी के दिशा में देख सकते हैं? जनक का जो राज था वो तो विदेह थे, तो विदेह की स्थिति ये है कि वो संसार में है भी और नहीं भी है, ये दो एक विरोधी स्थितियां जो इनमें सम्मिलित हो रही है, जो गीता में भी उस तरफ से निर्देश प्राप्त होते हैं। लेकिन जो राजा भोज का था, जैसा विक्रमादित्य का था, वैसा ही राजा भोज का भी है। राजा भोज जो था विक्रमादित्य का एक प्रकार से आदर्श को लेता है। 1000 साल बाद हुआ है, जिस तरह से जितने दूर हम राजा भोज से है उतने ही राजा भोज से विक्रमादित्य दूर था समय के हिसाब से, लेकिन उसका आदर्श था वो। तो राजा भोज ने तो यह किया कि पूरे देश से विदेश से जहां से जो भी विद्वान अपने अपने किसी भी विषय का विद्वान हुआ वो विद्वान खींचा चला आता था वहां पर उसके राजधानी की तरफ, और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो, चाहे वो दूसरे धर्म का हो, वैष्णव हो, चाहे शैव हो, शाक्त हो, या साधारण गरीब हो या अमीर हो, या संस्कृत का ज्ञाता विद्वान हो या प्राकृत का विद्वान हो या अपभ्रंश का विद्वान हो या लोक भाषा का विद्वान हो, विद्वान होना चाहिए। इसका प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ पर दिल्ली में मुंबई में जो संग्रहालय है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम पुराना नाम है, तो उसमें एक शिलालेख लगा हुआ है, उसके नीचे कैप्शन है कि वो धार से लाया गया है। उसमें एक रोड कवि ने लोक भाषा में काव्य लिखा है, तो वो भी राजा भोज के समय का है। तो इस तरह से हर भाषा के, हर प्रकार के, हर वर्ग के जो विद्वान है वो इकट्ठे हो रहे थे, और वो राजा भोज केवल उनको इकट्ठा नहीं करता था, उनको निर्देश देता था कि आपको लिखना है, अपने जो विषय को आप जानते हो उस विषय के ऊपर आप लिखो और उसका प्रयोग करो। उसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे इसमें ललित रूप में, आकर्षक रूप में जिसमें पाया जाता है बोध प्रबंध में, कि किस तरह से समस्याएं दी जाती थी और समस्या दे करके और कवियों को प्रेरित किया जाता है कि आप इसको समस्या की पूर्ति करिए, आप इस समस्या की पूर्ति करिए, आप इस समस्या की पूर्ति करिए, स्वयं भी करता था उसमें सहयोग देता था। तो इस तरह से सब मिल करके एक प्रेरित करता था सबको, केवल काव्य ही नहीं, यहाँ तक कि वो शास्त्र, जो शास्त्रों के ऊपर विवाद वाद विवाद भी करता था। और इसका जो केंद्र था, जो धार की जो भोजशाला थी, जिसमें जिसको प्राचीन नाम है सरस्वती कंठाभरण भवन जो था, उसमें वो वाद विवाद होते थे, उसमें विद्वान लोग आते थे, उसमें पढ़ाई भी होती थी, छात्र भी पढ़ाए जाते थे, उसमें शिलाएं, जो शिलाओं के ऊपर सारे का सारा साहित्य लिखा गया था, ताकि बच्चे जो है वो पढ़ सके, विद्वान भी पढ़ सके, उनको विद्वानों के लायक भी उसमें था, बच्चों के लिए व्याकरण के सूत्र उसमें थे, तो उनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं शिलाओं के ऊपर वहां पर। तो इस तरह से भोजशाला में है जी, ये भोजशाला अभी धारा नगरी में है, भोजशाला धारा नगरी में है, और उस विवादास्पद स्थल है वो माना जाता है, लेकिन उसमें कई शिलाएं हैं आज भी देखी जा सकती है, और उनके ऊपर व्याकरण के सूत्र लिखे हुए हैं, स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण है स्थायी रूप से, और शिलाएं भी है कुछ, और बाकी शिलाएं जो है वो नष्ट हो गई है। ये तो व्याकरण से, भगवतीलाल जी, ये जो व्याकरण सूत्र है ये सरस्वती कंठाभरणम के है?
नहीं नहीं पाणिनि के अष्टाध्यायी नहीं, वो प्राथमिक है, जैसे व्याकरण के आई उन्होंने जो प्राथमिक सूत्र है जो बच्चों के आवश्यक होते हैं, या जो प्रत्यय हैं उनके प्रत्ययों के कितने प्रत्यय हैं तो उनको एक चार्ट बना दिया, या वर्णमाला है वो भी एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत है आई वगैरह, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से उसको प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से वो सूत्र नहीं है जो शास्त्री जो होते हैं, वो सूत्र नहीं है ये। तो इस तरह से एक कई तरह से उसको प्रचार करने का, प्रसार करने का, लोकोपयोगी बनाने का वाङ्मय को प्रयास उसने किया, सर्वांगीण प्रयास जिसको कहते हैं वो किया, स्वयं भी लिखा औरों से भी लिखवाया, और इतना लिखा उसने भी कि उसने किसी विषय को नहीं छोड़ा जो उस समय प्रचलित थे, जो जैसे काव्य व्याकरण और जैसे कोष, जैसे ये काव्य काव्यशास्त्र, छंद्र, चाहे वो ये ज्योतिष हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे शिल्प शास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे दर्शन हो, और चाहे धर्मशास्त्र हो, तो चाहे शिल्प शास्त्र हो, तो इस तरह से सब विषयों के जो उस समय प्रचलित थे उन विषयों के ऊपर उसने अपनी स्वयं भी कलम चले, और ये माना जाता है कि उसने करीब 84 ग्रंथ लिखे थे। जितने उसने किताबें लिखी थी उतने उसके विरुद्ध थे, और जितने विरुद्ध थे उतने भवन थे जो उसने बनवाए हुए थे, और उन सब के नाम थे जो किताबों के नाम थे वो उसके विरुद्ध थे, वही उनके भवन के नाम थे। जैसे सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण जिसको भोजशाला हम कहते हैं आजकल, वो सरस्वती कंठाभरण था। सरस्वती कंठाभरण उसके काव्यशास्त्र की किताब है, व्याकरण की किताब है, और उनके स्वयं की उपाधि भी थी। तो इस तरह से राजमार्तंड है जैसे, तो इस तरह से उस सारे जो है पुस्तकों के नाम श्रृंगार प्रकाश है, तो ये सब उपाधि थी, ये सब ये उपाधियां भी थी और भवन के नाम थे। 84 किताबें उसने लिखी थी, और ये कहा गया है प्रबंध चिंतामणि, ये भी कहा है कि 104 उसने गीत प्रबंध लिखे थे लेकिन मतलब गीत काव्य जो है वो भी 104 के करीब थे। तो हमें बहुत सारे गीतों के प्राकृत की कविताएं उसके, जैसे कूर्मशतम जो उसका प्राप्त होता है, जो कि वहां पर भोजशाला में ही शिलांकित है पूरा पूरा 109 श्लोकों में, तो पूरा प्राकृत में, और उसमें कूर्मावतार के प्रशंसा की गई है, और एक प्रकार से लाटानुप्रास का एक अनोखा उदाहरण उसमें पूरे पूरे काव्य में प्राप्त होता है। तो एक राम काव्य के ऊपर, यूं तो परम शैव था वो, लेकिन राम काव्य के ऊपर चंपू रामायण उसने लिखी, और चंपू रामायण जो है वो भी कहते हैं कि भोजन राम चरितम रचितम निश्चयी कया, भोजन रामचरित एक रात में लिख दिया था, पर वो सुंदर कांड तक ही है, उसके आगे सवेरा हो गया तो दूसरे काम में लग गया और वहीं रह गया वो, तो सुंदर कांड तक जो है जो प्राप्त होता है। तो इतना प्रौढ़ भाषा में संस्कृत में वो चंपू काव्य है कि उसको जो है बहुत आनंद आ जाता है उसको पढ़ते हुए, उसका गद्य हो चाहे पद्य हो वो। तो इस तरह से जो उसकी जो क्षमता है वो विषय के अनुसार बदल जाती है, भाषा भी विषय के अनुसार बदल जाती है। जो ये भाषा इसमें चंपुराण में प्राप्त होती है वही श्रृंगार मंजरी कथा में प्राप्त होती है जिसमें 13 कहानियां हैं। तो लेकिन वो भाषा जब का वो दूसरा विषय शास्त्रीय विषय लिखता है दूसरा, तो उसमें बदल जाती है, वो स्वाभाविक है। तो लोग जो ये कहते हैं कि जो कवि है
वो दूसरी दूसरी दूसरा जब काव्य लिखेगा, दूसरी पुस्तक लिखेगा, तो उसमें उसकी भाषा का संरक्षण होना चाहिए, आवश्यकता ही है। उसके उदाहरण इसके हैं, राजा भोज की किताबें, जो अलग अलग किताबों में, जैसे हम ये चीज जो हम उसे पाते हैं, दंडी में पाते हैं, काव्यादर्श की जो भाषा है उसकी भाषा और दर्श कुमार की भाषा एक हो सकती है क्या? तो वो दोनों अपने अपने अलग अलग विषय हैं, अलग अलग तय दिशा चलती है, तो उस हिसाब से उसकी भाषा होगी। तो यही स्थिति उसकी भी है। तो जैसे चारुचर्या जब लिखता है तो उसकी भाषा बिल्कुल सरल है, क्योंकि वो दैनिक जीवन का, जिन सुबह से लेकर के सोने तक, जगने से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सोने तक के जीवन की जो चारुचर्या है, उस चारुचर्या का कैसी होनी चाहिए, कैसे हर मौसम के हिसाब से वस्त्र पहनना चाहिए, कैसे जो है पानी का उपयोग होना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए, तो ये तो एक प्राथमिक साधारण सी बातें जो है वो बताई गई है। जैसे ही यक्ष का पतन हुए, तो जो कि राजकुमारों के लिए एक एक प्रकार से हैंडबुक है, वो कि किस तरह से जो एक स्तरीय जो लोग हैं वो अपना जीवन निर्वाह करें और किन किन विषयों को जाने, सारे चीज सारे विषयों को उसको जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक विषय को जाने, तो तभी जीवन जो है वो सार्थक बन सकेगा। तो इस तरह के विभिन्न विभिन्न विषयों के ऊपर, चाहे ज्योतिष हो तो उस ज्योतिष के ऊपर, अलग अलग विषयों पर, गणित पर भी। अभी हमें जो मेटीरियल एविडेंसेस, जैसे कि वाग्देवी प्रतिमा जो मिल रही है, जी हाँ, वाग्देवी प्रतिमा के बारे में थोड़ा बताइए। राजा भोज के समय में लिखी बनी है और राजा भोज के द्वारा प्रेरित है वह, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है सरस्वती की। चार हाथ है उसके, 4 फीट ऊंची है, भूरे रंग की है, और आजकल वह ब्रिटिश म्यूजियम में है लंदन में, और पहले धार में थी वह, जब राज्य अंग्रेजों का राज था उस समय 19वीं शताब्दी में वो यहाँ से ले जाई गई। तो ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के पादपीठ के ऊपर एक खंडित श्लोक प्राप्त होता है, श्रीमद भोज नरेंद्र चंद्र नगरी विद्याधरी शांभवी। तो ये जो श्रीमद राजा भोज के द्वारा के समय है ये बनी है, उसमें नीचे संबंध भी दिया है, उसमें 1091 जो संवत है, विक्रम संवत, उसमें उसकी रचना हुई है। और मतलब ये है कि 1034 ईस्वी में इस की रचना हुई, जो कि राजा भोज का ही काल है, क्योंकि राजा भोज जो है उसने 1055 ईस्वी तक उसका राज्य रहा, 1000 ईस्वी से। तो इस तरह से ये जो सुंदर प्रतिमा है, इस प्रतिमा का जो कलाकार है, उस कलाकार का भी नीचे नाम दिया है। तो इस तरह से ये जो प्रतिमा है, लेकिन उसमें क्या है कि वो जो शिलालेख है, वो शिलालेख के अक्षर थोड़े टूट गए हैं, इसलिए वो अपूर्ण है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से, फिर कवियों ने उसको पूर्ण करने की चेष्टा की, लेकिन वो बात नहीं बनती है जब तक राजा भोज या उसमें जो बात है उसको आत्मसात करके जब तक नहीं लिखा जाए तब तक। तो फिर भी लोगों ने अपने अपने प्रयास किए हैं। तो लेकिन ये जो प्रतिमा है ये बहुत सुंदर है, लेकिन खंडित है, एक ही हाथ है, 3 हाथ खंडित है उसके, तो और एक हाथ में अंकुश है, जो बचा हुआ हाथ है उसमें अंकुश है। तो
अब प्रश्न उठता है कि अंकुश वाली ये कैसे हो गई, वो तो वीणा पुस्तक धारणी होती है वाग्देवी तो, और उसने वाग्देवी जो स्तोत्र भी इसका प्राप्त होता है राजा भोज का लिखा हुआ जयपुर से, उसको प्रकाशित किया हम लोगों ने, तो छोटा सा स्तोत्र है लेकिन उसमें भी अंकुश की चर्चा नहीं है, उसमें वो अलग प्रकार से वीणा पुस्तक वाला ही है वो, लेकिन इसमें जो प्रतिमा प्राप्त होती है वो अंकुश वाला, एक हाथ जो बचा हुआ है अंकुश है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा उस परंपरा की प्रतीत होती है जिस परंपरा में दुर्गा सप्तशती की जो सरस्वती महासरस्वती का जो रूप आता है, महाकाली का, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जब महासरस्वती का जो रूप आता है तब वह एक एक वीरांगना के रूप में आती है वह, और कई शस्त्रों को धारण करती है, तो उसी तरह से ये शस्त्र धारणी के रूप में एक प्रकार से वाग्देवी थी, लेकिन उसकी जो रचना है वो रचना मूर्ति कला की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सौम्य और मनोहर रचना है ये। और लोगों ने, हमारे जो जो कला समीक्षक है उन्होंने उसकी 1924 से लगातार उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सबसे पहले रूपम में उसके ऊपर एक समीक्षा छपी थी, उसके बाद लगातार कई लोगों ने लिखी, तो बड़ी सुंदर प्रतिमा है और उसके ऊपर स्तोत्र भी है। राजा भोज ने भी स्वयं कई जगह स्वरशंकर मंजरी कथा में के अंत में भी वाग्देवी का प्रशंसा उसने की है, वो श्लोक अधूरे प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से वाग्देवी का तो वो परम्पर प्रशंसक था, तो यहाँ तक कि उसमें सरस्वती कंठावरण का आरंभ भी जो है वह भी वाग्देवी की प्रशस्ति से ही क्या करता है वह। जैन प्रतिमाओं की चर्चा भी है जी, तो ये जैन प्रतिमा और वाग्देवी प्रतिमा, इसमें किस तरह की समालोचन कर सकते हैं हम? इन दोनों का समन्वय इसलिए होता था कि वैसे तो राजा भोज के राज्य में जो जैन साधु है उनका भी बहुत सम्मान था, और वो आते थे वहां पर और उनका भी सम्मान किया जाता था, और अमित जैसे जो वो जो कवि थे या शास्त्रकार थे वो जैन भी थे, उसी तरह से धनपाल जैसा जो राजा वो कवि था, तिलक मंजरी जिससे लिखा वो भी जैन था, तो इन सब का जो है वो था, इन सब का समन्वय पाया जाता है। लेकिन जो मूर्ति का सवाल है, उस मूर्ति का मूल कारण ये बतलाया गया है कि उसके नीचे जो सहयोगी देवता बने हैं छोटे आसपास मूर्ति के आजूबाजू, उन देवताओं में सिंह के ऊपर बैठा हुआ एक बालक जैसा दिखाई दिया लोगों को, तो ऐसा सिंह वाला जो बालक जहां पर होता है तो वो प्रतीक माना जाता है कि अंबिका होती है, ये जैन जो देवी होती है अंबिका वो देवी होती है, इसलिए वो अंबिका के रूप में उसको कुछ लोगों ने मान लिया है। लेकिन वास्तव में वो उसको ध्यान से देखेंगे उस मूल प्रतिमा की जो फोटो है वहां से लेकर के, तो उस वो जो बैठा हुआ जो सिंह के ऊपर बैठे बैठा हुआ जो वो है वो बालक नहीं है, वो एक स्त्री है, क्योंकि उसके उसके स्तनों का उभार उसमें सामने दिखाई देता है। तो जब स्त्री है तो वह एक प्रकार से अंबिका हो गई, वो मतलब कालिका हो गई, वो दुर्गा हो गई, तो दुर्गा का प्रतीक हो गया वो, तो इस तरह से ये एक कलाशास्त्र का विवाद है। तो कलाशास्त्र के विवाद में भी ये जो है
थोड़ा सा ध्यान देखना चाहिए कि मूल जो प्रतिमा है, हमने जो फोटो देखा उसका, उस फोटो में स्पष्ट रूप से वह बालक के बजाय वो स्त्री दिखाई देती है। वो स्त्री यदि है तो वह दुर्गा है, और दुर्गा है तो फिर वह अंबिका नहीं हो सकती, फिर वह सरस्वती, जैसा कि ऊपर लिखा गया है शिलालेख में, वाग्देवी नाम भी उसमें शिलालेख में आता है, तो वो वाग्देवी की प्रतिमा ही प्रतीत होती है। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप बताई हैं। राजा भोज के स्थापत्य के बारे में थोड़ा जानेंगे आपसे। आपने बताया कि राजा भोज के अनेक उपाधियों में समरांगन सूत्रधार भी एक है, तो उनका लिखा हुआ एक पुस्तक है, और उसमें हमें नगर कैसे बनाए इस पर भी बहुत सी चर्चा हुई है, और राजा भोज ने भोजपुर बनाई, और कहते हैं कि भोपाल के भोजताल भी उन्होंने ही बनवाई है, तो इन पर थोड़ा आप बताइए। समरांगन सूत्रधार राजा भोज का एक शिल्प शास्त्र संबंधी एक विशाल ग्रंथ है, इसमें लगभग 7,000 श्लोक हैं और 83 अध्याय हैं इसमें, और ऐसा लगता है कि वो अपूर्ण है, तो इसका मतलब है कम से कम 84 अध्याय तो उसमें होंगे। तो उसमें टाउन प्लानिंग के ऊपर पूरा एक व्यवस्था दे रखी, कैसे जमीन को तय करना, भूमि चयन से लगा करके, तो भवन का छत बन जाना, तो वो पूरा भवन बन करके, पूरा नगर बन करके भवन बन जाना, वहां तक की पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। उसकी एक विशेषता बताई जाती है कि ये माना जाता है कि राजा भोज के जो स्थापत्य था, जो भवन थे उसके, अब तो भवन उसके बचे नहीं है, केवल एक भोजपुर का जो मंदिर है पूरा पूरा अपने यहाँ का भोपाल के पास है, वो पुरातत्व का संरक्षण में है, वही अवशेष रूप में अपूर्ण रूप में बचा हुआ है। तो वो केवल बचा है, उसमें क्या है कि उसमें कहा है कि न उसमें लोहे का उपयोग हुआ है, न उसमें रेत का उपयोग हुआ है, न चूने का उपयोग हुआ है, और न लकड़ी का उपयोग हुआ है। तो इस तरह से वो केवल पत्थरों के आधार पे, लोहे का भी उपयोग नहीं है, तो केवल पत्थरों का जो एक दूसरे के ऊपर रख करके और उनका आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि वो भवन तैयार हुए हैं, इसलिए वो उनमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नश्वर हो, जो समय के साथ नष्ट हो जाए, जैसे उम्र जो होती है हर एक का, आज यदि हम सीमेंट से बनाते हैं तो उसका उम्र है कि 50 साल या 60 साल उसकी उम्र होगी, या 100 साल अधिकतम हो जाएगी, लेकिन वो जो है चिरकाल तक चल सकता है। फिर इस तरह से वो बनाता था क्लाइमेट जो है, वो स्थान का कौन सा, जहां पर बन रहा है भवन वहां का क्लाइमेट कैसा है। उदाहरण के लिए उसने कहा गया है, उदयपुर प्रसाद जी भी कहा है, केदार रामेश्वर सोमनाथ मुंडीर काला नल सोमन, तो रुद्र सतकई केदार रामेश्वर सोमनाथ इत्यादि जो मंदिर है, और महाकाल, ये 5 मंदिर जो है उसने चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4 मंदिर, और बीच मध्य भारत में महाकाल उज्जैन में, तो इस तरह से 5 मंदिर उसने पुनरुद्धार कराए, परिष्कार किया, और उसने उनमें जो भी निर्माण कार्य करवाए थे। उसका एक उदाहरण ये है कि उसी समय का बना हुआ केदारेश्वर का मंदिर अभी तक बना हुआ बचा हुआ है, बाकी तो परिवर्तन होते चले गए,
बाकी स्थानों पे। और हमने देखा कि अभी जो कुछ वर्ष पहले वहां पर जो भीषण त्रासदी हुई, उस त्रासदी में भी, उस इति भीषण बाढ़ में भी सब कुछ नष्ट हो गया आसपास का, और वो मंदिर जो है बचा हुआ है। तो ये चमत्कार ही हुआ है। तो ये चमत्कार जो है ये उसके निर्माण की जो पद्धति है उस पद्धति का परिणाम है जी। जब समरांगन सूत्रधार के बारे में बात करते हैं, मैंने देखा कि उसमें यंत्र की परिभाषा दी गई है। जी हाँ, और जी। अनेक तरह की यंत्रों की चर्चा की गई है। जी जी। और भोजराज ये भी कहते हैं कि यंत्रों को कैसे बनाते हैं ये नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये गुप्त है और गुप्त ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर लोग जान लेंगे तो उनमें चमत्कार, कौतुक, विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत, इन रसों का उत्पादन कभी नहीं होगी। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि यंत्र जो है वो विस्मयकारक होनी चाहिए और एक तरह की अद्भुत रस लोगों में पैदा होनी चाहिए जब वे यंत्रों को देखते हैं, तो इन पर थोड़ा आप बताइए। समरांगण सूत्रधार में जैसा मैंने पहले बताया था कि जब भूमि चैन से लगा करके भवन के छत तक बनता है तो उसके ही डेकोरेशन के रूप में या उसके उपयोग के लिए ये यंत्र भी बनते थे और ये एक प्रकार से पूरक होते थे। एक इस बीच में ध्यान आता है कि समरांगण जब समरांगण नाम क्यों पड़ा उसका, क्योंकि वो तो शिल्प से संबंधित है तो समर से क्या संबंध है, समर तो युद्ध होता है। तो उसका उत्तर हमको एक जगह मिलता था कि हमने जब यहाँ मकान बनाया तो ऊपर छत बन रही थी, उसमें ईंटों का चेका लगा और उसमें चूना भरा और उसको पिटाई चल रही थी। हमने कहा यह क्या हो रहा है, तो कारीगर ने बतलाया था ये रणथल हो रहा है, ये लो स्थानीय भाषा में कारीगर की भाषा में था कि ये रणथल हो रहा है। और हमको लगा अरे ये रणथल हो रहा है तो समरांगण तो यही तो ये है। तो छत तक बन जाना, छत यही समरांगण है। अब आपका ये प्रश्न है कि उसके यंत्रों का, तो यंत्र किसे कहते हैं, तो यंत्र के बारे में उसने कहा है कि जो पंचभूत है उन पंचभूतों को नियंत्रित करके अपने अपनी इच्छानुसार उनको चलाना, अपने ऐसे नियंत्रित करना कि आप उनको अपनी इच्छानुसार उनको चला सके सबको, तो वो यंत्र हो जाता है। इसे आकाश भूत भी आ जाएगी इसमें? आकाश उस गैप, बिना गैप के काम कैसे काम चलेगा, बिना गैप जो है वो तो हमें उसके बिना तो कोई भी यंत्र भी, कोई भी चाहे वो शरीर यंत्र है तो वो भी बिना गैप वाला तो होगा नहीं, तो वो तो अनिवार्य तत्व है। तो उनको दूसरा क्या है कि कितने यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो स्वयं वायु स्वयं चलने वाला, दूसरों के द्वारा चलाया जाने वाला, दूसरे के द्वारा, दूसरा ये है कि एक बार चल जाने पर चलते रहने वाला, और एक ये है कहते हैं जी परपेचुअल मशीन कहते हैं जी, एक बार चलाए तो वैसे ही चलने वाली, अंग्रेजी में परपेचुअल मशीन कह रहे थे। हाँ तो वही वही वाली, तो इस तरह से उसने विभिन्न भेद बताए हैं। तो आरंभ में फिर दूसरा ये है कि उसने ये बताया कि ये जो यंत्र है ये इस तरह से, वो जो आपने बताया
कि जो रहस्य होना रहना चाहिए वो केवल उसके बारे में बतलाया उन्होंने वायुयान के बारे में। वायुयान की जो चर्चा की वो संक्षेप में की उन्होंने, और संक्षेप में करके बताया उन्होंने, कहा कि ये जो चीज है, ये जो पारंपर्यम जो परंपरा जो से जो जिन लोगों को जो जानते हैं वो उसको जानते हैं, और उसके कारण उनकी उनकी कुशलता है, और इसलिए उस कुशलता के कारण वो बना लेते हैं और उसको अधिक जो है विस्तार से जो है हम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये जो जो जानकार लोग हैं वो सब जानते हैं, इस तरह से कह करके उसने हुआ आगे बढ़ गया है। तो इसलिए पारंपर्यम कौशलम वो श्लोक है पूरा, तो परंपरागत जो कुशलता है वो प्राप्त होनी चाहिए, उसके साथ ही उसमें दक्षता जो है वो भी प्राप्त होना चाहिए, उसके साथ ही उसमें शिक्षा जो है वो भी मिलनी चाहिए उसमें। तो इस तरह से कुछ लक्षण भी बतलाए हैं, और उसमें ये भी एक विशेषता बताई है कि उसके साथ वो बनने के बाद में उसको उड़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो उड़ाने का प्रयास करने चाहिए तो उन्होंने कहा कैसे करेंगे उड़ेगा, उन्होंने कहा कि उसका जो वो जो है फ्यूल है, उसका जो ईंधन है वो क्या होगा। तो ईंधन उसने बताया है, वो बड़ा अनोखा बताया है कि जो कभी नष्ट नहीं होता, और वो है पारा रसम, रस जो है मर्क्यूरी। तो वो जो मर्क्यूरी है, जैसे थर्मामीटर में भी होता है, वो गर्म होता है तो ऊपर चढ़ता है, ठंडा होता है तो नीचे बैठ जाता है। तो उसने कहा कि उसमें जो मर्क्यूरी रख करके उसके नीचे आग को जलाएंगे तो वो उठेगा ऊपर पारा, तो वो उस यंत्र को भी उठा देगा, उस अनुपात में रखना पड़ेगा उसको, तो उस यंत्र को भी उठा देगा आकाश में, वो गड़गड़ाता हुआ चलेगा फिर, तो और फिर वापस जो है वो उसको ठंडा करेंगे वहां तो नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से वो पद्धति बताई है, तो वो कभी नष्ट नहीं होगा, फ्यूल बार बार भरना नहीं पड़ेगा, एक बार जो भर दिया तो भर दिया, वो चलता रहेगा वो। तो ये उसके सिवा कई उसने यंत्र बताए, यहाँ तक कि लिफ्ट भी की व्यवस्था भी उसने बताई है कि किस तरह से, हालांकि वो बहुत धीमे धीमे चलता था लिफ्ट, तो ये भी बताया उसने। तो यहाँ तक कि प्रिंट कैसे लेना वो भी उसने बताया है कि कैसे छापा लिया जाता है। तो उसके सिवाय बहुत सारे ऐसे चीजें बताई है, जैसे उद्यान बताया, तो उद्यान में या भवन में आप जाएंगे तो आपको स्वागत करने के लिए जो रोबोट है वो खड़े हुए मिलेंगे, और वो रोबोट जो आपका स्वागत करेंगे, जो वाद्य बजा रहे हैं वो भी रोबोट बजा रहे हैं, बंदर जो है वो बैठे बैठे जो है वो बजा रहे बैठे उसको वाद्य को बजाते हैं। तो इस तरह से कई तरह के उस पर विचित्र विचित्र प्रकार के जो 31वां अध्याय है उसका समागम सूत्रधार का, वो पूरा का पूरा यंत्र से संबंधित है, और करीब उसमें 250 श्लोक है। ये जो चीज है इसको प्रैक्टिकल करके उसने बताया है श्रृंगार मंजरी कथा में, और श्रृंगार मंजरी कथा में धारा वर्णन नाम का एक चैप्टर है आरंभ में, तो उसमें जो है उसमें बताया कि वीर विलासोद्यान जब बनाया उसने, तो उस उद्यान में जो है ये सारे यंत्र लगे हुए थे, और किस तरह से लोग जो अचरज से सब देखते थे उस इन इसमें जो बताया है समांगण सूत्रधार से, उसके अतिरिक्त भी उसमें कई यंत्र बताए गए हैं। इसका मतलब है कि वो समांगण सूत्रधार के बाद की रचना है, जिसमें कुछ और चीजें भी उसमें जुड़ गई है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, यहाँ तक की चित्रकला का विस्तार से, मूर्तिकला के ऊपर विस्तार से चर्चा उसमें दी गई है। भगवतीलाल जी, आप समरांगण सूत्रधार में ये यंत्रों का जो अध्याय है उस पर आप बता रहे थे, ये
और मेरा एक प्रश्न रहा है कि आपने जो ये यंत्रों की विस्तार से बताया और श्रृंगार मंजरी कथा में इन यंत्रों का प्रस्ताव भी जो हमें मिलता है, तो ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ कल्पना है या यथार्थ में थे, और इस कल्पना और यथार्थ के बीच में अंतर क्या है, ये कैसे जाने हम? हाँ, ये तो क्या है कि अब उस समय के कुछ अवशेष तो ऐसे बचे नहीं है कि जिनको हम वो कर सके। यहाँ तक कि श्रृंगार मंजरी कथा में आरंभ में राजा भोज स्वयं लिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना आत्मवर्णन नहीं कर सकता, और राजा होने के कारण राजा का वर्णन भी आवश्यक है नगर के, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि यंत्र पुत्रक तो वही रोबोट, उसको कहता है कि तुम वर्णन करो, और वो वर्णन करता है। तो इसको इसके राजशेखर ने अपने एक नाटक में उसका उपयोग किया है कि किस तरह से वो जो सारिका है वो उसके बोलती है यंत्र की, और वो उसमें बैठी हुई यंत्र में बैठी हुई सारिका जो है बोल रही है। तो कोई ना कोई एक ऐसी पद्धति उस समय थी कि जिससे वो सब चीजें होती थी। और दूसरा ये है कि ये जो जैसे वायुयान का बताया आपने, हम जैसे उसमें आया, अब वो होता था या नहीं होता था ये तो ठीक है, लेकिन भारद्वाज का इस संबंध में पूरा ग्रंथ प्राप्त होता है, वैमानिक शास्त्र वो मैसूर से प्रकाशित है। तो इस तरह से एक दूसरे से, फिर दूसरा क्या है कि दूसरी जो कई कथाएं हैं, जैसे कथा सरित सागर है, उसमें आपको इस तरह से बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे कि उसमें जो है, या बेताल पंचशील में मिल जाएंगे उसी तरह की पुष्टियां। तो सब चीजें सब झूठी कैसे मान लें? हो सकता है कि कुछ कल्पनाएं हैं, अतिशय कल्पना भी हो सकती है उसमें। एक ये है कि किस तरह से एक सिक्का प्राप्त होता है, यहाँ से उज्जैन क्षेत्र से प्राप्त हुआ है विक्रमादित्य का, उस पर एक घोड़ा जो है उस घोड़े के कोई पंख जैसे दिखाई देते हैं, मतलब उड़ता घोड़ा, उस दिखाने के लिए कि घोड़ा जो है वो उड़ सकता है। श्रृंगार मंजरी कथा में विक्रमादित्य का एक घोड़ा जो है वो उड़ उड़ करके कहीं दूसरी जगह पर जाता है, और एक सिक्का जो है उसके ऊपर भी वो उस तरह से दिखाया गया है। तो इस तरह की पुष्टि हम छोटी मोटी तो कर सकते हैं, लेकिन आज उन तमाम चीजों के खिलौने, हो सकता है कि ये तमाम चीजें बड़े स्तर पर ना हो, खिलौने हो केवल, जैसे जिससे कि बच्चे जो है और सभी जो अचरज चेत करे हों, लेकिन जो खिलौने हैं वो छोटे रूप में होते हैं, वही जो टेक्निक है वो बड़े रूप में हो जाती है। टेक्निक में ज्यादा फर्क नहीं होता, टेक्निक का विस्तार होता है बड़े में, लेकिन मूल सूत्र जो है वो तो चाहे छोटा बने या बड़ा बने, सूत्र तो वही होगा जी। तो यही हम कह सकते हैं, उसकी पुष्टि करना तो आज बड़ा कठिन है। मुझे तो दूसरी और बात ऐसे लगी कि कभी कभी हम कह सकते हैं कि कल्पना में ही यथार्थता ज्यादा है, क्योंकि कल्पना से हमें रसोत्पत्ति होती है, और कल्पना से आप बहुत सारे ऐसे काव्य देख सकते हैं जिसमें रस की अनुभव होती है। और जब मैंने ये यंत्रों का जैसे वायुयान के यंत्र के बारे में बताते हुए
राजा भोज कहते हैं कि इसका विस्तार से कैसे बनाना है ये नहीं बताएंगे, ये गुप्त रहेगा, क्योंकि दिलचस्पी और चमत्कार अद्भुत रस यही एक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे जब ये पढ़ा तो मनुस्मृति में कहते हैं कि महायंत्र प्रवर्तनम एक उपपातक है, क्योंकि राजा भोज तो धर्मशास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान थे, तो महायंत्र जैसे बनते हैं तो उससे बहुत नष्ट भी होता है, तो जब ये नष्ट होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अद्भुत रस पैदा करने के लिए अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से वो एक धर्म नियंत्रित यंत्र बनवाना हो सकता है, तो ये यथार्थ शायद हो सकती है, ऐसा मुझे लगा। नहीं, आपका विचार अच्छा है और उस तरह से भी उसका सोच सकते हैं, लेकिन हमारे सामने तो जो ग्रंथ है राजा भोज के और दूसरे जो ग्रंथ है वो जो है वो भी एक मध्य, क्योंकि मनुस्मृति तो पहले की है और जो भारद्वाज का विमान सूत्र है वो भी पुराना है, और बाकी जो कालिदास में भी प्राप्त होता है किस तरह से यथा विदु में मनुष्यों भी लाश पुष्पक में जो है वो कहते हैं कि कैसे जैसे जैसे राम जो है अपने सोच से विचार करते हैं उस तरह से वो ऊपर नीचे समदूर चलता चलता जाता है, तो ये एक परंपरा रही है हमारे यहाँ पर उस तरह की, और सबको खिलौना मान लेना और सबको कल्पना मान लेना यदि है, पुष्पक विमान भी यदि खिलौना है या कल्पना है तो फिर उसका यथार्थ रूप तो आज हम देख ही रहे हैं। जब हम अद्भुत रस की बात करते हैं तो राजा भोज की तो महत्वपूर्ण रचना श्रृंगार प्रकाश है जी, और अभी अभी मुझे याद आया कि आपसे मैंने भोजताल के बारे में पूछा जी, पहले हम उस पर बात करते हैं और फिर श्रृंगार प्रकाश के ऊपर चर्चा करेंगे। भोजताल जब बनाया गया था तो कहते हैं कि बेतवा पर एक बांध बनवाया गया जी, और ये बेतवा के बांध के बारे में जब मैंने इंटरनेट पे पढ़ने के लिए कोशिश की तो मुझे एक कहानी की, लोक परंपरा की कहानी देखने को मिला। कहते हैं कि राजा भोज एक बार उनकी बीमारी हुई और उस बीमारी को खत्म करने के लिए उन्हें एक बांध बनवाने को कहा गया था, और उन्होंने ऐसा बांध बनवाना है जिससे विश्व में बहुत बड़ा तालाब बने, तो इस पर थोड़ा आप विस्तार से बताइए। आपने जो बताया और जो कि कुछ रोग हो गया था उसको राजा भोज को, वेद्यों ने सलाह दी थी कि ऐसा ऐसा जल हो जिसमें लगभग 300 स्रोत जो हैं वो उसमें मिले, तो उनको उनका सबका समृद्ध जो जल है वो इसमें काम आएगा। तो सर्वे करके और उसके जो इंजीनियर थे उन लोगों ने फिर यह वहां पर कालियासोत पे भोजपुर के पास में एक जो वेत्रवती नदी है, प्राचीन नाम वेत्रवती है, आजकल बेतवा कहते हैं, उसके ऊपर एक बनवाया, बांध बनवाया, उस बांध के अवशेष आज भी पाए जाते हैं, और वो जो बांध है वो बना करके इतना बड़ा तालाब बन गया कि वो करीब 250 मील का उसका क्षेत्रफल था, और उसके बीच में जो उठा हुआ जो भूमि थी जो द्वीप के रूप में हो गया था, तो आज भी द्वीप जो नाम का जो गांव है वो भोज भोपाल के पास में वो आज भी
कहलाता है। तो ये जो है वहीं पर उसके किनारे पर ही भोजपुर बसाया उसके नाम पर, और फिट ऊंचा शिवलिंग उसमें है, और ऐसा जो बनाया वो मंदिर अभी भी है, हालांकि वो पूर्ण नहीं हो सका, उसका शिखर जो स्थान जो है वो अपूर्ण है, तो किसी कारण से अधूरा रह गया, लेकिन उसका प्लानिंग जो है वो कैसे मंदिर बनेगा उसका प्लानिंग वहाँ के पत्थरों के ऊपर शिला के ऊपर बना हुआ है, उत्कीर्ण है, तो ये एक विशेषता है। तो उस समय की रचना शैली जो है उसके लिए ये है कि बनाने के पहले इंजीनियर जो है वो पूरा प्लान जो है वो तैयार करते थे और किस तरह से उसको अंकित करते थे, उसको देख करके उसके अनुसार से भवन बनाते थे। तो ये पूरा पता था। और ये जो तालाब था, ये तालाब बाद में जाकर के 14वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में होशंगशाह हुआ था मांडू का सुल्तान, उसने कहा कि ये जमीन फालतू, 300 जो मील की जमीन जो है इतनी महत्वपूर्ण जमीन है और इसका उपयोग जो है कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको खाली करवाया जा ताकि इसका पर कृषि हो सके। तो इस तरह से इसको खाली करवाने के लिए उसने बांध को एक हिस्से को तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो वो खाली होने में 30 साल लग गए इसको। तो खाली हुआ मतलब खाली हुआ और फिर उस जमीन को सूखना, तब तक वो राजा भी मर गया था। उसी राजा का बादशाह का के नाम पर भोपाल के पास में नर्मदा किनारे पर होशंगाबाद नाम का जिला स्थान है। तो लेकिन उस कहते हैं कि उस तालाब का एक हिस्सा टुकड़ा जो बच गया, जो सारा पानी निकल गया लेकिन कुछ गड्ढे ऐसे थे जहां पर पानी नहीं निकला, वो तालाब का जो गड्ढा बचा हुआ है वो भोपाल का तालाब है। और आज भी वो तालाब इतना बड़ा कहते हैं कि ताल तो भोपाल का और सब तलैया, तो ये कहावत चल गई है। तो ये लोक कथाओं के माध्यम से ही हमको ये सारी चीजें ज्ञात होती है। इस सारी जो पद वो है उसका कहीं लिखित रूप में कोई शिलालेख ही रूप में या कहीं पे किसी पुरानी पुस्तक में ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। भगवती लाल जी, अब हम श्रृंगार प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। जी जी जी, श्रृंगार प्रकाश राजा भोज की सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और इसमें अलंकार शास्त्र की तब तक जो भी लिखा गया है उन सब की उन्होंने समालोचना की, उस पे अपना राय दी और कहते हैं कि रसों में श्रृंगार एव हृदि मानवतो जनस्य श्रृंगारमेव रसनात्र समामनामः वीरादयो मिच्छारसप्रवादाः श्रृंगार एव एकश्चतुर्वर्गैक कारणं रस इति। ये कहने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ श्रृंगार ही रस है, क्योंकि भवभूति ने कहा कि एको रसः करुण एव, तो भवभूति के बाद राजा भोज आते हैं और श्रृंगार ही रस कहते हैं। इससे हमें यथार्थ और हमारी जीवन के बारे में क्या सीख मिलती है? जो भवभूत ने कहा है करुण, वह नाटक के प्रसंग में है। जो प्रसंग चल रहा था उसमें करुण रस का प्रसंग था और उस करुण रस के प्रसंग में ये बात आ गई और वहां उन्होंने कह दिया कि ये एक करुण ही एकमात्र रस है। लेकिन श्रृंगार जो रसराज है इस बात को तो हमारी पूरी परंपरा मानती है काव्य शास्त्र की। यूं भी हमारे यहाँ पर जो काव्य और नाटक लिखे जाते हैं उसमें श्रृंगार और वीर, नाटक में श्रृंगार और वीर, इन दोनों को ही महत्व दिया जाता है, यानी
केंद्रीय जो रस होता है वो ये दो है, बाकी सब सहयोगी रस के रूप में होते हैं। और जो काव्य लिखे हैं, जी शब्द काव्य लिखे हैं, तो उसमें शांत रस भी आ जाता है। और शांत रस जो है वो कुछ काव्यों में, खास करके जैन परंपरा के काव्यों में वो देखा जाता है। लेकिन नाट्य में तो शांत रस का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि जो शांत करके बैठ गए तो नाटक ही नहीं होगा। तो जी उस लिए अब श्रृंगार जो है, श्रृंगार वीर करुणोद्भुत रोत्र हास्य विभत्स वत्सल भयानक शांत नामना आमना ससुर दशरसान वयम तो श्रृंगारमेव रसना रसमामनाव। ये राजा भोज कहता है इसी श्रृंगार प्रकाश के आरंभ में कि जो रसन का काम में है वह तो केवल श्रृंगार के माध्यम से होता है, इसलिए हम उसको ही रस मानते हैं। दूसरा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा मां है कि श्रृंगार को राजा भोज ने एक साधारण जो नाट्यशास्त्र वाला श्रृंगार है या अलंकार शास्त्र वाला श्रृंगार है वहीं तक उसको सीमित नहीं रखा है, उसको जगत व्यापी कर दिया, जीवन व्यापी कर दिया। उसने कहा उसके के धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब श्रृंगार हैं। धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार, मोक्ष श्रृंगार, इस तरह से चार विभाग करके उसने उसको इतनी व्याप्ति दे दी है कि सारा जीवन जो है और सारे जो हमारे जीवन का प्रयोजन है वो सब उसमें समाहित हो जाता है। तो बहुत विराट रूप उसने दिया है इसका। हालांकि ये भी सही है कि जो उत्साह जो होता है वीर रस का, जो स्थायी भाव उत्साह है, वीर रस भी एक नाटकों के लिए आवश्यक है। कई में वीर रस ही प्रमुख है, जैसे विनय संवार में वीर रस ही है। तो और आज भी हम देखते हैं फिल्मों में केवल दो ही रस है, या तो श्रृंगार है या वीर है, बाकी सब जितने रोज रस आएंगे वो चकित करने वाले वो आते जाते रहेंगे। आज लेकिन, तो सिर्फ भाव बचे हैं, रस नहीं मिलता। नहीं, लेकिन अंततः जाकर के उसको परिणति जो है वो तो किसी भी अंश में हो लेकिन रस तो उसमें आ जाता है ना। तो यानी पारंपरिक रूप से हम उसको रस कह लें, तो उसमें क्या है कि जो उत्साह जो है वीर रस जो है उसमें की जड़ होता है उत्साह, और उत्साह का जड़ है ओज। जी, जो ओजस तत्व जो होता उससे प्रेरित होता है प्राणी, और जब तक वो प्रेरित नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करेगा। श्रृंगार के लिए भी उत्साह की आवश्यकता होती है, बिना उत्साह के श्रृंगार भी नहीं होगा। तो इस तरह से एक तरह से यूं देखा जाए तो इसके ऊपर मेरा तो एक अलग से पुस्तक ही है, तो उस तरह से। लेकिन राजा भोज का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण इस तरह से व्यापक है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है वो श्रृंगार के बिना संभव पूर्ण होता नहीं है, और सब आश्रमों का मूल है गृहस्थ, ये वो श्रृंगार मंजरी में कहता है। सर्व आश्रमो मूल श्रृंगार गृहस्थ आश्रम, तो समस्त आश्रमों, क्योंकि जैसे जो ब्रह्मचर्य हो चाहे बाद के तीनों आश्रम है या दूसरे, तो चारों आश्रम जो उनका में से गृहस्थ आश्रम है तो बाकी तीन आश्रम है, बाकी तो उन सब का, उनका सबका केंद्र जो है वो भी श्रृंगार है। इसलिए श्रृंगार जो है वह जीवन है, वही उसके बिना जीवन नहीं हो सकता, इसलिए उसने सार दिया। और बड़ा विशाल ग्रंथ है, 36 अध्यायों का ग्रंथ है,
जिस तरह से कर्नाटक शास्त्र में 36 अध्याय है उस तरह से ये भी 36 अध्याय है इसमें, तो विशाल थे। और अलंकार शास्त्रों में सबसे विशाल ग्रंथ है उसके, न उससे पहले इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया न उसके बाद में लिखा गया। इसी श्रृंगार मंदिर, इसका जो अंतिम में जो पूर्व राग जो 12 प्रकार के दिए हैं उसने श्रृंगार के पूर्व राग, उन पूर्व रागों की को लेकर के और उन्होंने अलग किताब लिखी श्रृंगार मंजरी कथा। तो उसमें उन पूर्व रागों की जो कहानियां हैं कहानियों के प्रायोगिक रूप में उसको प्रस्तुत किया है। तो पूरा जो मतलब शास्त्र भी है और शास्त्र के साथ में उसका व्यवहार रूप जो कैसा होता है वो लिखित रूप में कहानी रूप में भी प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। इस श्रृंगार मंजरी कथा में हमें गणिका की प्रस्तावना है जी, पर आप तो गृहस्थाश्रम की कह रहे हैं और इन दोनों का हम किस तरह से राजा भोज की जो तात्पर्य है वो कैसे जाने, क्योंकि कहानियां तो गणिका के कहानियां बताते हैं। ये आपने सही कहा कि श्रृंगार मंजरी जो है वो तो नायिका है और वो गणिका है, लेकिन बात एक कहानी जब चलती है, एक कहानी जब लिखी जाती है तो उसके अंदर सारी बातें आती है, विभिन्न प्रकार की बातें आती है, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती है। तो उसमें राजा विक्रमादित्य और मूलदेव की जो कहानी है उस कहानी में ये आता है, क्योंकि मूलदेव कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा और उसका कारण बतलाता है कि वो जो छल कपट उसमें नारियों के द्वारा जो होता है गणिकाओं के द्वारा जैसे होता है तो उन सबको लेकर के, तो वो कहता है, तब विक्रमादित्य कहता है कि गृहस्थाश्रम का मूल जो है वो सारे आश्रमों का मूल है, इसलिए विवाह करना तो चाहिए। तो इस तरह की जो वो तो कहानियों का अंग होता है, तो ये तमाम चीजें जो है तो प्रासंगिक रूप में आते रहते हैं। उसका वो पूरा श्रृंगार मंजरी कथा का दक्ष जो है वो तो श्रृंगार मंजरी है, वो श्रृंगार गणिका कथा है, लेकिन उसके बीच बीच में बहुत सारी दूसरी चीज आती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के हमारे समकालीन समाज में जी जिस श्रृंगार की आप अभी प्रस्ताव की है आपने और राजा भोज ने प्रस्ताव की है उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है, तो इसे कैसे हम पूर्ति कर सकते हैं राजा भोज की अध्ययन करके या उनके जो भी, एक तो भोज प्रबंध में तो उस श्रृंगार की चर्चा विविध रूप से हमें मिलती है, भोज प्रबंध की कहानियां अगर जानते हैं तो उस भावना को हम आसान से समझ सकते हैं। तो अगर समाज में रस की भावना कम होती है तो उस समाज की जो उत्कृष्टता है वो कम हो जाती है, तो आज हम श्रृंगार प्रकाश और श्रृंगार मंजरी कथा इनके जो तात्पर्य है उससे हमें क्या सीखना है इस पर थोड़ा आप बताइए। देखिए श्रृंगार मंजरी कथा में जो कहानियां दी गई है वो पूर्व राग की कहानियां हैं और पूर्व राग की कहानियों में श्रृंगार मंजरी श्रोता है और उसकी माता वक्ता है। कहानियां अलग अलग समाज की है, वो सब गणिकाओं की कहानियां नहीं है, उसमें गृहस्थों की भी कहानियां हैं और सब तरह के हैं। तो ये जो समाज है विविध रूप का होता है और उस विविध प्रकार का जो समाज है उसको उसको कैसे संतुलित बनाए रखना चाहिए ये इन पुस्तकों से ज्ञात होता है। तो ये जो श्रृंगार प्रकार से और श्रृंगार प्रकार तो विराट एक प्रकार से परिकल्पना है जीवन की, और उस जीवन की विराट परिकल्पना में श्रृंगार जो है
उसको केवल एक बहुत छिछले रूप में नहीं दिया गया है, वह मोक्ष कारक का रूप भी है, वहां पर मोक्ष कारक भी है श्रृंगार वहां। तो वही श्रृंगार जो है, मतलब उसके प्रति जो आसक्ति है, जो आसक्ति हमारी जो है, वह आसक्ति मूल मूल चीज आसक्ति है, और वो आसक्ति धर्म के प्रति हो, आसक्ति काम के प्रति भी हो, आसक्ति अर्थ के प्रति भी हो, और आसक्ति मोक्ष के प्रति भी हो, तो ही एक संपूर्ण समाज एक आदर्श समाज बन सकता है। और उसके लिए जो भी प्रयास किया जाना चाहिए, जिस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए, वो आवश्यक है जी। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजा भोज की ये जो अगर इतने सारे पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, तो ये तो साधारण रूप से उपासना के बिना होने की संभावना नहीं है। और कहते हैं कि राजा भोज एक शैव गुरु भी थे जो दीक्षा दे सके, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखी है शैव सिद्धांत पर, तत्व प्रकाश, इस पर थोड़ा आप बताइए। तत्व प्रकाश जो है, ये कश्मीर शैव दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और ये क्रम परंपरा जो है शैव परंपरा में, उस परंपरा को एक प्रकार से संक्षिप्त में सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करता है। तो जीवन का आरंभ, विकास और उसका परिहार, ये सारी चीजें जो है उसमें कैसे होती है, उसको सैद्धांतिक रूप में, दार्शनिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए ये जो है, ये सारी आध्यात्मिक जो उसका जो परिवेश है, वो बड़ा व्यापक था और गहरा था, और वो इतने उसकी पैठ थी कि जो अभिनव गुप्त का जो तंत्रालोक है, उस तंत्रालोक के जो टीकाकार है, 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध, उसने लिखा है कि राजा भोज जो क्रम परंपरा है, उस परंपरा के जो आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों में जो दीक्षा देने वाले की जो अधिकार जिन लोगों को मिल चुका है, उन अधिकार प्राप्त आचार्यों में राजा भोज का नाम भी था। तो ये एक बड़ी बात है कि वो जो है उस मतलब एक जो एक किसी सन्यासी का काम होता है दीक्षा देना वगैरह, तो लेकिन राजा भोज जो है वो उस स्तर तक पहुंच चुका था कि वो दीक्षा देने का काम भी, दीक्षा देने का अधिकार भी उसके गुरु ने उसको दिया था। तो वो तो ये जो खाली एक किताब नहीं है, हमें ये जो तत्व प्रकाश जो है पुस्तक प्राप्त होती है, ऐसी अनेक दूसरी किताबों के भी नाम हमें प्राप्त होते हैं, और किताबें नहीं मिलती है, तो वो सब मिल जाए तो राजा भोज का जो वो दार्शनिक जो पीठिका है, वो और ज्यादा स्पष्ट हो सके। और उसकी जैसे उस एक किताब का उल्लेख डॉक्टर राघवन ने किया था कि किस तरह से एक खाली पुष्प के ऊपर एक किताब लिखी उसने, खाली पुष्प के ऊपर उसके उदाहरण मिलते हैं। तो पुष्प जो है वो किस तरह से एक किसी देवता के ऊपर चढ़ता है, कौन सा पुष्प किस देवता पर चढ़ता है, और उसके पीछे दार्शनिक पीठिका क्या है, उसके उसका आधार क्या है, ये तमाम चीजें जो उसने विस्तार से उसने दे रखी है। तो उसके कुछ कुछ केवल 3-4 पृष्ठ केवल इधर उधर टीकाओं में मिल जाते हैं, बाकी विस्तार से हमें उसका बारे में मिलता नहीं। तो इस तरह से हर चीज के ऊपर बहुत ही गहराई से वो विचार करता था और उसको व्यक्त करता था, और उस
को परम तत्व से किस तरह से जोड़ा जाता है और जुड़ सकता है, इसकी इस दिशा को का मर्म था वो। मैं चाहता हूं कि आप राजा भोज की जो युद्ध नीति थी और उन्होंने कितने युद्ध किए, इस पर भी आप थोड़ा बताएं, क्योंकि मैंने आपके ग्रंथ में एक श्लोक की उदाहरण देखा। राजा भोज ने कहीं लिखा है कि स्वयं राज्ञा नयोद्धव्यम येपि शस्त्रास्त्र कोविदैः मृता युद्धेषु दृश्यन्ते शक्तेभ्यः शक्तिमत्तराः। तो राजा भोज के बारे में जब हम आज जानते हैं, तो अभी यहाँ पर जो राजा भोज की एक मूर्ति बनी है भोपाल में, वो तो एक बड़े योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं, विद्वान के तरह नहीं। तो उनके योद्धा के रूप में हमें क्या जाननी चाहिए? जहाँ तक मूर्ति का सवाल है, वो तो उसको फाइनल करने में भी हम जैसे लोगों का ही हाथ था। लेकिन क्या है कि जब मूर्ति बनाते हैं सार्वजनिक रूप में, तो वो आकर्षक लोकाकर्षक मूर्ति होना चाहिए, उसमें कई चीजें देखी जाती है, इसलिए उसको योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी कहते हैं चेदीश्वरेन्द्र रथम तोगर भीम उख्यान, चेदीश्वर इंद्रथ तोगद भीम सहित तुरुष्क इत्यादि कई कोंकण इत्यादि कई देशों को प्रांतों को उसने अपने राज्य में अपने जीता था उसने। और ये सब तो ठीक है, वीर था वह, लेकिन एक था कि वह जो आपने श्लोक कहा है वो श्लोक है युक्तिकल्पतरु का। युक्तिकल्पतरु में उसने कहा है कि स्वयं राज्ञा ने योद्धव्यम, राजा को स्वयं युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो कमजोर आदमी है वो भी बलवान आदमी को मार सकता है कभी मौका आए तो। इसलिए जो उसकी सेना है और योग्य जो सेनापति है उनके मार्गदर्शन में वो होना चाहिए। तो सैन्य अभियान, और शायद यही कारण है कि जो उसके जो मौल सैनिक थे, मौल अधिकारी थे, ये कई प्रकार के अधिकारी और सेना होते थे, उनमें से एक प्रकार होता मौल, मतलब आनुवंशिक, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता। तो विश्वसनीय जो उनके जो अधिकारी थे उनके मार्गदर्शन में ये सारी सेनाएं जाती थी और युद्ध करती थी और जीतती थी, कभी कभी हार भी जाती थी। ऐसा नहीं कि सबने जीते थे, वो कहीं कहीं हार भी, दूसरे जो शिलालेख दूसरे राजाओं को मिलते हैं उसमें बतलाते हैं वो कि उनने राजा भोज को पराजित कर दिया। तो इस तरह से हार जीत सब चलती रहती थी, लेकिन उसके लिए वो स्वयं रणक्षेत्र में गया हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हालांकि उसके लिए तैयार अपने शारीरिक रूप से और जो युद्धाभ्यास है उस युद्धाभ्यास के लिए वो हमेशा तैयार रहता था, और उसके लिए वो हमेशा हर तरह से, यानी शारीरिक रूप से, अस्त्र शास्त्र के रूप में और शास्त्र के रूप में और काव्य के रूप में, हर तरह से उसने सर्वांगीण रूप से अपने 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 व्यक्तित्व का विकास किया था। उस विकास का ही परिणाम है कि वो एक सफल राजा था। इतना सफल था कि उसके जो शत्रु थे वो भी ये मानते थे, उसके समय ही मानते थे कि ये महान राजा है, चाहे वो शत्रुता रखते हो। वो शत्रुता अपने स्थान पर है लेकिन गुण अपने स्थान पर है। जैसे गुजरात का राजा था भीम, तो वो शत्रु था, पड़ोसी हमेशा शत्रु होता है, कौटिल्य ने कहा है। तो उसने कहा कि उसने अपने मंत्री को कहा कि मुझे उस भोज को देखना है कैसा है वो आदमी। तो वो रूप बदल करके उसको ले जाता है और उसके दिखा करके वो ले आता है।
तो इस तरह से उसका उल्लेख इसमें प्रबंध चिंतामणि में प्राप्त होता है। तो ये जो शत्रु लोग भी जो है उसका एक प्रकार से उसको ललायित रहते थे उसके गुणों को प्राप्त करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए। और इसलिए बाद में कई लोग जो है ऐसे हुए जिन्होंने भोज उपाधि धारण की है। तो कई जो जैसे जो कोई कला में, कोई साहित्य में अलग अलग प्रकार के जो जिनने प्राप्त किया, तो बोधे कला नाम ननभोज राजा। तो कलाबोध में ये वापस ऐसा लगता है कि वापस फिर से नया भोज आ गया है। तो किसी ने कहा है कि लघु भोज राज, ये लघु भोज राज है। तो इस तरह से अलग अलग उपाधियां धारण करते रहे बाद में। तो जिस तरह से विक्रमादित्य की उपाधियां धारण करते रहते, उसी तरह से इसकी उपाधियां धारण करते थे। और यही नहीं, जैसे विक्रमादित्य जो है ऐतिहासिक होते हुए लोक कथाओं का एक नायक बन गया था, उसी तरह से ये भी ऐतिहासिक होते हुए भी लोक कथाओं, लोक गीतों और लोक मानस का नायक बन गया था। जी भगवतीलाल जी, आपने प्रबंध चिंतामणि की एक प्रस्ताव की है, उससे मुझे इस श्लोक की याद आ रही है। श्रोतव्यः सौगतो धर्मः कर्तव्यः पुनरार्हतः वैदिको व्यवहर्तव्यो ध्यातव्यः परमशिवः। ये राजा भोज की जो एक महत्वपूर्ण गुण है, कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे चीजों में, आप ही ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे द्वंद्वों के बीच में समन्वय साधने की चेष्टा की है, और सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय उन्होंने बहुत ही अच्छी रूप से की है। तो इनके जो ये गुण है, इस गुण के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो गुण है, ये तो एक मतलब एक सफल राजा का सबसे बड़ा गुण होता है, और इस गुण के कारण ही वह लोकनायक बना है। ये महाभारत में भी कहा गया है कि राजा को किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं, श्रोतव्य सौगतो धर्म। तो ये जो एक प्रकार से उस समय जो प्रचलित धर्म थे कि किस तरह से जो सुगत है यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और एक प्रकार से जो यज्ञ परंपराएं हैं, वैदिक परंपराएं हैं और शैव धर्म हैं, शैव परंपराएं हैं, इन चारों तरफ जो दिशाओं को जो समाज में प्रचलित थी उस समय, उन सबका समन्वय करने की उसने चेष्टा की गई है। और ऐसे समन्वय से ही एक राजा जो है वो सभी भावनाओं का समन्वय कर सकता है, और सारे समस्त, क्योंकि समाज जो है वो समस्त भावनाओं वाले होते हैं, अलग भिन्न भिन्न भावनाओं वाले होते हैं, भिन्न रुचि लोगों का, तो अलग अलग रुचि के लोग होते हैं, तो उन रुचियों का समन्वय यदि किया जा सकता है तो वो इसी तरह से किया जा सकता है कि सबका, सबकी भावनाओं की रक्षा की जाए, तो और सब में कुछ न कुछ विशेषता देखी जाए कि इस दिशा में ये गुण है, इस दिशा में ये गुण है, इसको पॉइंटेड करना, बस इसको जो है उभारना, ये एक बड़ी बात है। तो ये प्रबंध चिंतामणि में ये बात, जबकि जैन है वो लिखने वाला, प्रबंध चिंतामणि का राइटर जो होता है वो जैन है, तो लेकिन उसने भी एक निरपेक्ष भाव से जो भी उस समय राजा भोज के बारे में प्रचलित था श्लोक, वो श्लोक उसने उद्धृत किया है। और ये उद्धृत करके एक प्रकार से जो श्रेष्ठ जो राजगुण है, उस राजगुण को उसने प्रस्तुत कर दिया है। और ये राजगुण जो है, ये हमारे शांति पूर्व जो महाभारत है उसमें तो बहुत विस्तार से दे रखा है। तो लेकिन ये वो सिद्धांत की बातें थी, ये राजा भोज जो है उसने व्यवहार भी कैसे उतारा, ये मुख्य कारण है। और इसीलिए वो सब प्रकार के समाज के हर वर्ग का में लोकप्रिय रहा। राजा मुंज
जब राजा भोज को मरवाना चाहा, तो कहते हैं कि राजा भोज ने एक श्लोक बताया, मांधाता समही पति ही क्षितितलांकार भूतो गतः सेतुर्येन महो दधौ विरचितः क्वासौ असास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो यावन्त एवाभवन् नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्जत्वया यास्यति। ये तो बहुत ही मशहूर श्लोक है, इस कहानी को थोड़ा बताइए। नहीं, ये तो कहानी बहुत संक्षिप्त है। वो क्या है कि राजा जो मुंज था, वो राजा भोज का ताऊजी था और पिता का बड़ा भाई था सिंधुराज का। तो वो राजा था और सिंधुराज का जो ये पुत्र था भोज, ये मुंज के पास ही था। मुंज तो जो इसका पिता था, राजा भोज का पिता सिंधुराज, वो तो एक योद्धा था, महान योद्धा था, इसलिए भी हमेशा यात्रा पे रहता था सेनाओं के साथ में। तो ये उसके साथ में था और बड़ा मेधावी था। तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये जो है राजा बनेगा और ये ऐसा कुछ हो, तो वो बड़ा चिंतित हो गया। स्वाभाविक है कि ये राजा बनेगा तो मेरा क्या होगा फिर। तो उसने, जैसा कि कहानियां होती है उसी तरह की वो कहानी भी है कि उसने उस राजकुमार को मरवाने की चेष्टा की, राजा भोज को, बच्चे भोज को, बालक 5 साल का बच्चा था वो सर। तो पाठशाला से उसको ले गए जंगल में, उसको किसी को साथ भेज दिया कि इसको मार के लाओ। तो मंत्री था वो, तो बड़ा बुद्धिमान था वो भी, वो ले गया और ले गया और तुमने कहा कि राजा का आदेश है और तुमको मारने लाए, मारने के लिए लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों मारना चाहता है राजा हमको, वो तो बड़ा प्रेम करता है हमसे। तो उन्होंने कारण बताया, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक वट का पत्र लिया वहां से, जंगल में तो वही था, और अपना स्वयं का रक्त जो है निकाला और उस रक्त से उसके ऊपर ये श्लोक लिख करके दे दिया और उन्होंने कहा कि ये राजा को दे देना और अब तुम अपना काम करो, मेरे को मार डालो। तो वो बड़ा चिंतित हुआ और चिंतित होकर के और बड़ा प्रभावित हुआ वो जो मंत्री गया था, वत्सराज उसका नाम था। तो उसने उस राजा, उस बालक भोज को छिपा दिया और एक नकली सिर बनाया और सिर बना करके उसको दूसरे किसी के खून से रंग करके और ले जा करके और राजा मुंज के सामने रख दिया कि ये, क्योंकि वो एक बार जब खून से रंग गया पूरा चेहरा तो उसको पहचान वहचान में तो आएगा नहीं। तो बता दिया कि ये बालक का सिर ले आया हूँ काट करके। तो उन्होंने कहा कि उसने वो जब तुमने उसको मारा तो उस समय उसने कुछ कहा था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, उसने जेब से निकाल करके वो पत्र दे दिया। तो राजा भोज जो, वो जो मुंज जो है, वो भी कवि था, महान था और बड़ा रसिक था और बड़ा प्रसिद्ध है लोग हमारे साहित्य में भी उसका नाम। तो वो जब इसने श्लोक देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ और रोने लगा कि मैंने कितना बुरा काम कर दिया, कितना प्रतिभाशाली बच्चे को जो है मैंने मार डाला। तो उन्होंने कहा कि, मंत्री ने कहा कि राजन, वास्तव में उसको मारा नहीं है, ये नकली है और ये वास्तविक बच्चा, ये बात ला करके उन्होंने उसको सौंप दिया और उन्होंने उसको बड़ा प्रेम से पाला, बड़ा किया। और उसके स्वयं के दो लड़के थे राजा मुंज के, वो
राजस्थान के कुछ स्थानों पर वो छोटे छोटे राजा थे, लेकिन उसने अपने अपने स्थान के ऊपर राजा इसको बनाया, राजा भोज को अपना राजा बनाया। और तो इस तरह से एक प्रतिभा के कारण, सरस्वती की प्रतिभा जो थी, उस सरस्वती की कृपा जो थी राजा भोज में के ऊपर, उसने उसको बचा लिया और राजा भोज महान राजा बन गया और आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भी थोड़ा बताइए, नहीं, हाँ मांधाता से लेकर के। वो तो कहानी, जो बड़े बड़े राजा हो गए हैं, मांधाता जैसे, वो अपने साथ में, वो बड़े बड़े थे, बड़े नाम था उनका, और वो भी मर गए, उसके बाद दूसरे मर गए, तीसरे मर गए, सब मर गए, लेकिन कोई किसी के साथ में ये भूमि नहीं गई। राजा, हे मुंज, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ तो भूमि नहीं गई, लेकिन तेरे साथ अवश्य जाएगी, क्योंकि भूमि के कारण, भूमि के लिए, इस राज्य के लिए तू मुझे मार रहा है, तो तेरे साथ अवश्य भूमि जाएगी। तो ये जो है एक प्रकार से बोधक चिन्ह था, प्रबोधक श्लोक था, इससे प्रबोधित हो गया राजा मुंज, प्रभावित हो गया और उसने उसको स्वीकार कर लिया। आज की जो हिंसक जो फिल्में बनती है और समाज में भी जो हिंसा देखी जाती है, संपदा के लिए, भूमि के लिए, किस तरह से अपने लोगों को या दूसरे लोगों को मारा जाता है और उनकी संपदा हड़पने का प्रयास किया जाता है, उस प्रयास को के लिए ये श्लोक बहुत ही मुफीद है, बहुत उचित है कि बाकी सबके साथ में तो संपदा नहीं गई, बाकी सबके साथ में भूमि नहीं गई, लेकिन हे मारने वाले, तेरे साथ अवश्य जाएगी। प्रकृतिलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को दो श्लोकों से हम समाप्त करते हैं। ये राजा भोज की प्रशस्ति में है। कविषु, वादिषु, भोगिषु, देहिषु, द्रविणवत्सु, सताम उपकारिषु, धनिषु, धन्विषु, धर्मधनेष्वपि क्षितितले नहि भोज समो नृपः। और उनके जो विद्वत्ता के, ये कालिदास का कहा हुआ एक श्लोक बताते हैं, अत्यधारा सदाधारा सदालंबा सरस्वती, पंडिताः मंडिताः सर्वे, भोजराजो भुवंगते। इससे हम ये चर्चा समाप्त करते हैं। आपसे इस चर्चा करने से हम बहुत कुछ सीखे हैं और हम ये जरूर जानते हैं कि हमारे जो भी प्रेक्षक हैं वे भी इससे बहुत सीख सकते हैं। नमस्कार।